Hey guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. गाइस तो मैंने कई बार सोचा कि मैं अपने चैनल पे अभी प्रोडक्ट रिव्यूज करता हूँ एंड प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूँ और उसके साथ साथ प्रोडक्ट के या फिर जो भी चीज होती है, जो भी कंटेंट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बट आज से मैंने अपने चैनल पे एक नई सीरीज का स्टार्ट करने का सोचा है, लाइक जिन मेरे भाई लोगों के पास बजट का इशू होता है, जो सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जिनको सप्लीमेंट लेने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, तो वो ऐसे कौन से फूड खाए स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस कि जिन जो उनके मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करे और फैट लॉस में भी हेल्प करे। खैर आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने मसल बिल्डिंग के ऊपर। गाइस आप लोग कई बार मुझसे क्वेश्चंस करते हो कि हमारे पास प्रोटीन लेने का बजट नहीं है, क्रिएटिन लेने का बजट नहीं है, प्री वर्कआउट लेने का बजट नहीं है। गाइस मैं आप सभी को इस वीडियो के जरिए एक चीज बता दूं, जब मैं अपने इनिशियल डेज में अपनी फिटनेस को मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास भी कोई भी ऐसा प्रोटीन लेने के पैसे नहीं हुआ करते थे और इवन मैंने कई सालों तक प्रोटीन पाउडर का भी यूज नहीं किया। बट उसके अलावा मैंने अपनी बॉडी में वेट भी गेन किया और उसके साथ साथ काफी अच्छी तरीके से मसल मास को भी एड ऑन किया था। तो गाइस आज मैं आपको ऐसे कुछ फूड्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि अगर आप मसल गेन कर रहे हैं, आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है और आप बहुत ज्यादा स्किनी है, तो ये फूड बहुत ही चीप रेट पे आपको मिल जाएंगे मार्केट में। इवन कई फूड्स आपके घर पे पहले से भी अवेलेबल होंगे, तो आप उन फूड का यूज करके किस टाइप से अपने मसल बिल्डिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं और उसके साथ साथ कुछ ऐसी फिटनेस टिप्स भी आपको दूंगा जिन्होंने मेरी हेल्प की और होप वो आप सभी की भी कर सकेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में सबसे पहले हम अपनी डाइट को डिस्कस करते हैं। खैर ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए और आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहे तो मेक श्योर आप नीचे कमेंट डाउन जरूर करें और उसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं और जय श्री राम भी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये सीरीज कंटिन्यू करना है। खैर अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने टॉप थ्री ऐसे फूड्स की कि अगर आप बिल्कुल ही स्किनी है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये फूड आपकी किस तरीके से हेल्प करते हैं। हाल ही में कई बार ऐसा देखा गया है कि सत्तू को लेकर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चली है, तो इस चीज को सबसे पहले मैं डिफाइन कर दूं कि सत्तू एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है जो कि इनकम्प्लीट प्रोफाइल रखता है, बट अगर आप वेजिटेरियन है तो सत्तू आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो सत्तू को आप वे प्रोटीन से रिप्लेस ना करके अपने मास गेनर से रिप्लेस कीजिएगा। तो आप अपनी डाइट में सत्तू को सबसे पहली चीज ऐड करें। खैर मैंने अपने इनिशियल डेज में मैं सत्तू के चीले बना के खाया करता था, तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती थी। मैं शाम टाइम में इसको एज अ स्नैक ले लेते था एक ग्लास दूध के साथ, तो ये चीज मैं सबसे पहले यूज करता था। सेकेंड फूड में आप सभी को बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप का फूड बताने वाला हूं जो कि आपके ब्रेकफास्ट में आपकी हेल्प करेगा। इसका नाम है ओट्स, या फिर अगर आपको बजट का इशू है और आप ओट्स नहीं खरीद सकते तो आप घर का बना हुआ दलिया आप इसमें यूज कर सकते हैं क्योंकि इनके प्रोटीन कंटेंट में ज्यादा फर्क नहीं होता है बल्कि इनके फाइबर कंटेंट में थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा फर्क होता है। तो गाइस डेफिनेटली ओट्स आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, बट आपको ये देखना है कि आपको खाना कितना है ओट्स। लाइक अगर आपका वेट 40 to 50 kg है, आप 40-50 kgs के हैं, तो आपके लिए 45 to 50 grams रॉ ओट्स सफिशियंट होगा जिसको आप मिल्क के साथ ऐड करके विदाउट एनी, मतलब कोई भी आप मसाला वगैरह ऐड ना करें, मेरा सजेशन ही होगा, और शुगर की जगह आप हनी को यूज करें तो आप अपनी बॉडी में मसल बिल्ड देख पाएंगे। नेक्स्ट, अब कई भाई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें प्री वर्कआउट में क्या लेना चाहिए। तो गाइस आप वर्कआउट से आधे घंटे पहले एक बनाना यूज कर सकते हैं और उसके बाद 15 मिनट बाद आप एक कप ब्लैक कॉफी का यूज कर सकते हैं जो कि आपकी 2 रुपए कॉस्ट करेगी हार्डली। उसके अलावा कुछ भाई लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम प्रोटीन इंटेक कैसे बढ़ाएं, तो गाइस पनीर काफी ज्यादा सुपीरियर सोर्स है और इसके साथ साथ चीज का भी अगर आप यूज करते हैं वो भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इसके अलावा पीनट बटर एक बहुत अच्छा सोर्स है जो कि आपकी बॉडी में गुड अमाउंट ऑफ फैट देगा जिससे कि आपकी स्किन तो ग्लो करेगी ही करेगी, साथ में आपकी बॉडी में आपका मसल मास भी ग्रो करेगा। तो पीनट बटर स्पेशली 2 tablespoons लीजिएगा, बट पीनट बटर आप ऐसा सेलेक्ट कीजिएगा जिसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में खाली रोस्टेड पीनट्स का यूज किया गया हो, अदर पाम ऑयल या फिर हाइड्रोजनेटेड ऑयल का यूज ना किया गया हो।
इसके अलावा कुछ फिटनेस टिप्स भी मैं आपको दूंगा, लाइक आपको दिन में कम से कम 4 लीटर पानी का कंजप्शन करना है ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे और आप क्रैम्प्स वगैरह से दूर रहे, डिहाइड्रेशन से भी आप दूर रहे। इसके अलावा सेकेंड चीज, आप अपनी स्लीप को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि 7 to 8 hours की स्लीप आपकी रिकवरी को बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप सोएंगे नहीं, आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी। उसके अलावा आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, इंसोमनिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए स्लीप, आप अपनी नींद के साथ खिलवाड़ ना ही करें तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। इसके अलावा नेक्स्ट चीज, अब कई भाई लोगों को मैंने देखा है वो जिम जाते हैं बट डेली डेली सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि आप अपने वर्कआउट का एक शेड्यूल बनाएं। लाइक आपको वीक में 2 बार ही कोई मसल को ट्रेन करना है, उससे ज्यादा आप ना ही करें। एग्जॉस्ट कीजिए एक बार, और एक बार वॉल्यूम ट्रेनिंग आप कर सकते हैं लाइट वेट के साथ। इस तरीके से आपके मसल बिल्ड हो सकते हैं। और वेजिटेरियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइस कि वो अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पाते, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आप अपने प्रोटीन के लिए ओट्स का यूज करें, पनीर का यूज करें, इसके अलावा पीनट बटर का यूज करें, फ्रूट्स में आप बनाना यूज कर सकते हैं, ऑरेंजेस का यूज कर सकते हैं। ये सारे फूड्स आपकी मसल बिल्डिंग में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अगर आपको इस सीरीज का प्रॉपर ब्रेकडाउन चाहिए है, लाइक आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्रॉपर डाइट प्लान चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट डाउन कीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। हालांकि ये फर्स्ट एपिसोड होगा, इसमें मैंने बार बार से इस चीज को कवर किया है। आप इसको और ज्यादा डेप्थ में अगर ले जाना चाहते हैं तो हम घर के फूड्स को इसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू करनी है तो प्लीज कॉमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।